हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ के बारे में बात करने वाले एरियल फोटोग्रामेट्री में तो ये भी जो है हमारा जो गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट बी है उसका ये एक पार्ट है एरियल फोटोग्रामेट्री तो इसी की बात करेंगे आज हम तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉट इज फोटोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री क्या होती है तो फोटोग्रामेट्री जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसे प्रोसेस से जिसमें जो है अर्थ सरफेस को डिफरेंट फोटोग्राफ के थ्रू कनेक्ट किया जाता है जैसा कि अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं जो कि कैप्चर किए जाते हैं ड्रोन से या फिर एयरक्राफ्ट हो गए कैमरा माउंटेड उनकी हेल्प से जो है और सरफेस के फोटोग्राफ्स कैप्चर किए जाते हैं फिर बाद में इन फोटोग्राफ्स के कलेक्शन के बाद जो है इसे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करके और फिर एक फुल एंड फाइनल ये जो नीचे वाला सरफेस दिख रहा है इन सारे ये सिंगल इमेजेस जो है इनको ऑर्थो फोटोज कहा जाता है इनको जो है ऑर्थो तो फोटोज कहा जाता है और इन सिंगल इमेजेस को जब हम इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कंबाइन करके एक पूरी इमेज बना देते हैं अपने एओ की तो ये जो फाइनल इमेज हो जाती है इसे ऑर्थो मोजैक कहा जाता है तो ऑर्थो फोटो से ऑर्थो मोजैक में कन्वर्ट करने के लिए जो है डिफरेंट इमेज प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो कि जैसे कि जो डिफरेंट इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो पिक्स फोर डी है एक सॉफ्टवेयर और दूसरा जो अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है वो एजीआई है एजीआई मेटाशेप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है क्लाउड्स पे भी अवेलेबल है क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ड्रोन इमेज प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है इसके बाद बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है फोटोग्रामेट्री के तो फोटोग्रामेट्री के, के कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है वो है कि ये एक लार्ज एरिया कवर करता है अच्छी रिजोल्यूशन की इमेजेस जो है एक लार्ज एरिया में कवर होके आपको फोटोग्रामेट्री के थ्रू मिल सकती है इजिली ड्रोन मैपिंग के थ्रू जो है अच्छे रिजोल्यूशन की इमेजेस और उससे जो है जी मैपिंग हम इजिली कर सकते हैं ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और फास्ट होता है अगर कहीं पे जो है कोई डिजास्टर आ गया फ्लड आ गया तो ड्रोन से जो है आप उस एरिया की कवरेज जल्दी कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं सैटेलाइट इमेज का अगर आप वेट करेंगे तो उनका टेम्पोरल

ये कॉस्ट इफेक्टिव है। चौथा एडवांटेज इसका ये है कि इजी टू इंटरप्रेट है और अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि सैटेलाइट इमेज जो है उसे इंटरप्रेट करने के लिए हमें फॉल्स कलर कंपोजिट में उसे कन्वर्ट करना होता है सैटेलाइट इमेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए जीआईएस की नॉलेज होना जरूरी है रिमोट सेंसिंग की नॉलेज होना जरूरी है उसका एफ कौन से कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है पर जो एरियल फोटोग्रामेट्री से इमेजेस कैप्चर होती हैं वो एज इट इज जो अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन की होती है तो इजी टू इंटरप्रेट होती है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ये कैन रीच इन एक्सेबल एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ये आसानी से पहुंच सकती है इसके बाद बात करें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की तो डिसएडवांटेज ये है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है अगर आपको ड्रोन फ्लाइंग करनी है तो उसके लिए जो है आपको ट्रेंड पायलट की जरूरत होगी दूसरा इसका डिसएडवांटेज है की कॉस्टली एट ए टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन और इनिशिएशन के टाइम पे जो है ये कॉस्टली होता है तीसरा डिसएडवांटेज है की ये हैवी इक्विपमेंट जो है इसमें कैरी करने पड़

एयर एक्टिविटीज होती है वो अलाउड नहीं होती है बिना परमिशंस के तो उन परमिशन को लेने के लिए अगर आपको वहाँ ड्रोन फ्लाइंग करनी है तो लेंदी प्रोसेस है उसका तो ये एक इसकी डिसडवांटेजेज है और पांचवा जो इसका डिसएडवांटेज है ये वेदर डिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है अगर बहुत ज्यादा विंड है रेन हो रही है तो उस केस में जो है आप ड्रोन फ्लाइंग या कोई भी एयरक्राफ्ट जो है कैमरा माउंटेड वो फ्लाई नहीं कर सकते उसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फोटोग्रामेट्री की फोटोग्रामेट्री जो है कितने टाइप्स की होती है तो फोटोग्रामेट्री जो होता है बेसिकली दो टाइप्स की होती है पहला होता है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और दूसरा होता है एरियल फोटोग्रामेट्री तो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री की बात करें तो इसे हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ से क्या मतलब है अगर हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ की बात करें तो ये जो है नियर द ग्राउंड होता है ये कैमरा नियर द ग्राउंड होता है मतलब आपके पास सरफेस पे आप कोई ट्राईपोड पे जो अपने कैमरे को माउंट करके और जो भी आपका टारगेट एरिया है उसकी फोटो कैप्चर करते हैं तो इसे जो है ग्राउंड फोटोग्रामेट्री भी कहा जाता है और टेरेस्ट्रियल ter फोटोग्रामेट्री में क्या होता है कि आपका कैमरा एक्सेस जो है ये हॉरिजोटल होता है और सरफेस जो है आपके इसके पैरेलल ही होता है और टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री जो है ज्यादातर यूज की जाती है लिमिटेड टू द प्लॉटिंग ऑफ स्पेशियल फीचर्स जैसे कि वर्टिकल क्लिफ हो गए, माउंटेन्स हो गए तो इन्हीं के फोटोग्रामेट्री के लिए जो है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का यूज किया जाता है इसके बाद अगला टाइप जो है उसकी बात करें तो वो है एरियल फोटोग्रामेट्री एरियल फोटोग्रामेट्री जैसा कि इसके नाम में मेंशन है एरियल तो जो भी हमारा एयरक्राफ्ट होगा या फिर ड्रोन होगा वो कैमरा माउंटेड होगा और उसका जो प्लेटफॉर्म होगा फ्लाइंग का वो एयर बेस्ड होगा तो एरियल फोटोग्रामेट्री की बात करें तो ये भी फोटोग्रामेट्री का एक ब्रांच है और इसमें जो कैमरा होता है वो एयरक्राफ्ट में या ड्रोन में यूएवीज में माउंटेड होता है और इस केस में जो कैमरा एक्सेस होता है वो वर्टिकल होता है और सरफेस के वर्टिकल जो है हमारा कैमरा एक्सेस होता है और इन एरियल फोटोग्राफ्स का जो है यूज किया जा सकता है टोपोग्राफिकल सर्वे में फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल सर्वे में प्रीलिमिनरी रूट सर्वे में हाईवेज में रेलवे पाइपलाइंस में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन में जो है एरियल फोटोग्रामेट्री का यूज किया जा सकता है एरियल फोटोग्रामेट्री का एक बड़ा एडवांटेज है थ्री डी मैपिंग टू डी मैपिंग फोर डी मैपिंग तक जो है एरियल फोटोग्रामेट्री की हेल्प से कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा एरियल फोटोग्रामेट्री और एक मैप इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है तो अगर सबसे पहले बात करें मैप की तो मैप जो होता है ये एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे बेस्ड होता है इसमें कुछ सिलेक्टेड डिटेल्स जो है दिखाई जाती है इसमें ज्यादा क्लैरिटी होती है मैप में क्यों क्योंकि हर चीज जो है इसके नाम के अकॉर्डिंग जो है लेजेंड्स लेबल किए हुए होते हैं कि कौन सी रोड है कौन सा घर है कौन सी बिल्डिंग है कौन सा लेन है उसके नाम वाइज लोकेशन जो है उसके अवेलेबल होते हैं और इसका स्केल जो होता है वो एक कॉन्स्टेंट स्केल जो होता है पूरे मैप एरिया पे प्रेजेंट रहता है उसके बाद बात, बात करें अगर एक एरियल फोटोग्राफ में फोटोग्राफ की तो ये एक सेंट्रल प्रोजेक्शन पे बेस्ड होता है बेसिकली पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे बेस्ड होता है इसमें जो है नंबर ऑफ डिटेल्स तो अवेलेबल होती है काफी पर क्लैरिटी कम होती है क्लैरिटी क्यों कम होती है क्योंकि एरियल फोटोग्राफ में जो है कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है जैसे कि मैप्स में लेजेंड के बेसिस पे जो है फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली और लोकेशन जो है लेबल्स होते हैं उसमें लोकेशन के नेम भी तो इसीलिए जो मैप में इस वजह से कम क्लैरिटी होती है यहाँ पे जो आपका स्केल जो है ये डिफर कर सकता है एलिवेशन की वजह से स्केल जो है यहाँ पे पूरे मैप एरिया में जो पूरा आपका एरियल फोटोग्राफ है इस पूरे एरिया में जो है कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि अगर ये एक ऑब्लिक फोटोग्राफ हुई तब तो ये और कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि जहाँ एज है वहाँ इमेज जो है ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी हॉरिजन के पास में तो ये तो डिफरेंस था मैप और एरियल फोटोग्राफ के बीच में अब बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ एरियल फोटोग्राफ होते हैं वो क्या क्या होते हैं तो इसके जो मेन टाइप्स होते हैं वो वर्टिकल फोटोग्राफ और ऑब्लिक फोटोग्राफ होते हैं सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल फोटोग्राफ की तो वर्टिकल फोटोग्राफ जो होता है इसमें कैमरा एक्सेस जो होता है को करता है विद द डायरेक्ट एक्शन ऑफ ग्रेविटी के ये जो अर्थ सरफेस है इसके 90 डिग्री के एंगल पे जो है वर्टिकल फोटोग्राफ का एक्सेस होता है अगर ये एक ट्रूली वर्टिकल फोटोग्राफ है तो इस फोटो का जो प्लेन होगा वो पैरेलल होगा डेटम प्लेन के और वर्टिकल फोटोग्राफ में जो है एक पार्ट आ जाता है टिल्टेड फोटोग्राफ का कि अगर ये जो आपका कैमरा एक्सिस है ये थ्री डिग्री तक जो है अगर टिल्ट होता है तो इसको जो है टिल्टेड फोटोग्राफ के नाम से जाना जाता है इसके बाद बात करते हैं ऑब्लिक ऑब्लिक फोटोग्राफ फोटोग्राफ की तो फोटोग्राफ में जो दो टाइप्स के फोटोग्राफ आते हैं एक तो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ और दूसरा हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ तो ऑब्लिक फोटोग्राफ में जब कैमरा का एक्सेस जो होता है वो इंटेंशनली इंक्लाइंड होता है टू द वर्टिकल देन द रिजल्टेंट फोटोग्राफ इज नोन एज ऑब्लिक फोटोग्राफ और हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ में क्या होता है कि इसमें जो है आपको हॉरिजन का भी एक पार्ट होता है अभी मैं इसे एक इमेज से भी एग्जाम्पल इमेज से भी मैं बताऊंगी कि हॉरिजन क्या है और हाई ऑब्लिक लो ऑब्लिक की इमेजेस कैसी दिखती हैं तो अगर हम टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ के कंक्लूजन पे आए तो हमने जो है मेन जो टाइप्स पढ़े हैं वो वर्टिकल फोटोग्राफ ऑब्लिक फोटोग्राफ और हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ्स के बारे में पढ़ा है तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ की तो ये एक एग्जाम्पल इमेज है जिसमे की आप देख सकते हैं जो कैमरा का एक्सेस है अर्थ के है और ये ग्राउंड पे माउंटेड कैमरा से ये पिक्चर क्लिक हुई है है उसके बाद जो दूसरा टाइप है, ये हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ है तो इसमें जो आप इमेज देख सकते हैं ये डायरेक्ट इमेज जो 90 डिग्री के एक्सिस पे जो अर्थ सरफेस की इमेज कैप्चर की गई है उस इमेज को वर्टिकल फोटोग्राफ कहा जाता है और अगर एक ये ट्रू वर्टिकल इमेज होगी इसमें सब जगह में स्केल कॉन्स्टेंट होगा तो ये क्या होगी आपका जो डेटम प्लेन है उसके इक्विवेलेंट होगी ये इमेज के बाद जो तीसरा टाइप है वो हमारा ऑब्लिक फोटोग्राफ है तो ऑब्लिक फोटोग्राफ में एक तो लो ऑब्लिक इमेज आता है जिसमें आप आपका जो कैमरा एक्सेस होता है वो टिल्टेड होता है इंक्लाइंड होता है थर्टी डिग्री के एंगल तक तो ये लो ऑब्लिक फोटोग्राफ हो गई इसी में अगर हाई ऑब्लिक की बात करें तो जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक एक्सिस में जो है हमें पूरा हॉरिजन विजिबल होता है तो ऐसे इमेजेस को हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ्स कहा जाता है तो ये तो था आज के लेक्चर में जिसमें हमने जो एरियल फोटोग्रामेट्री में टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ की बात की तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एरियल फोटोग्रामेट्री में कौन कौन से फोटोग्राफ के टाइप होते हैं तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच